राजीव जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं पूरी, असल में तो इस भारत जोड़ो यात्रा का मूल थीम ही यही है, मकसद ही यही है कि नफरत की जो हवा चल रही है इस देश के अंदर, बहाई जा रही है, चल क्या रही है, जबरन बहाई जा रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है कि नफरत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उसमें एडिशनल ये हुआ है कि नगर न्यायपालिका, जिसमें कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है, उसमें भी इस बात का संज्ञान लिया गया। अंततः देखिए आगे फैसला क्या होगा और क्या आगे कार्यवाही होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल में एक ये तसल्ली की बात है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी वो नफरत के खिलाफ आवाज उठा रही है और न्यायपालिका ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। जो कॉर्पोरेट मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। स्पीड ब्रेकर के तौर पे मेरे, मैं इसको देखती हूँ कि जो जी आंधी बेलगाम बहे जा रही थी, आंधी चल रही थी इस देश के अंदर बेलगाम होके, उसके बारे में मोदी सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब न्यायपालिका भी बोलने के लिए आ गई है सामने। देखिए इसमें जो कॉर्पोरेट मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, मैं तो इसको रेडियो रवांडा कहती हूँ, तो ये वो ही काम कर रहे हैं जो रेडियो किया रवांडा देश में, उन्होंने यही काम किया वहां के मीडिया ने, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक भड़काया और यही हुआ, और अंत में ये हुआ कि 100 दिन के अंदर 8 लोग 8 लाख गए वहां पे। तो ये मीडिया जो हमारा, जो जिस तरीके का जो ये कॉर्पोरेट मीडिया काम कर रहा है, ये वहां ले जाके छोड़ेगा इस देश को। इनकी जो तौर तरीके हैं वो बता रहे हैं कि वहां ले जाके छोड़ेगा। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के कल्याण में भी अपने कुछ लाभ का, जो लाभांश कमाते हैं उसमें से कुछ वहां खर्चा दे। मैं ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको रीडिफाइन करे, उसमें वो ये और जोड़े कि आप पैसा तो लगाएं ही अपने प्रॉफिट में से समाज के हित में, लेकिन कॉरपोरेट की जिम्मेदारी ये भी है कि समाज में सद्भाव और भाईचारा और सौहार्द की भावना को बढ़ाने के तरफ काम करे, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर उसमें फेल होती है तो उनके पास कोई पेनल्टी हो या जो भी किसी भी तरह का जो भी कुछ कोई कानून बनाया जाए या कोई एक्ट बनाया जाए, उसके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हो। सोशल सीएसआर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये नहीं है कि खाली आपने कुछ समाज के हित में पैसा खर्च करके और आप एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ वही कॉर्पोरेट समाज में नफरतें फैला रहा है, तो क्या फायदा हुआ? आपने वहां थोड़ा पैसा खर्च दिया और इधर आपने नफरत की आग में झोंक दिया, नफरत की भट्टी से लग रही है इस देश के अंदर। क्यों जी आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को लेकर? इसीलिए आना पड़ा। ये जो और जो ये सुदर्शन चव्हाण है, ये तो पूरा इनके यहाँ तो चलता ही है, ये 24 घंटे नफरत पुराण चलता रहता है वहां पे, तो यही वो दिन रात उनका आप देख के कभी देखेंगे। और जिस वक्त इलेक्शन के नजदीक आने वाले होते हैं तो वो और तेज हो जाता है उनका ये आग में घी डालने का काम। तो ये जी जो अब जो न्यायपालिका ने किया है, इसमें जो चीफ जस्टिस भी हैं उनका भी मैं मानती हूं कि उनका एक रुख है इसके प्रति, इसके इसको लेके, तो वो क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस ने हमारे, आप सभी को मालूम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टरेट है, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ तो हार्डवर्क, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी मजाक का विषय है, यहाँ हार्डवर्क कहा जाता है उसको, तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस ट्रोल होने लगे इस बात के लिए कि आप क्यों नफरत के खिलाफ बोलना शुरू किया, आप क्यों कॉर्पोरेट मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये चीज, ये बड़े खतरनाक मोड़ के ऊपर ये देश खड़ा हुआ है। आप ये जहां पे खुद ही कार्यपालिका, जिसमें कि सरकार है, वो खुद ही कपड़ों से पहचानती है लोग दंगाइयों को, वो 80-20 की बात करती है, तो वहां पे कॉर्पोरेट मीडिया तो वहां से उठाएगा आपकी बातें, उनको इशारा दिया जाता है कि भाई आप इसी लाइन पे करिएगा। तो ये चीजें, अब जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको तो कोई नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया, क्यों? क्योंकि उसमें नफरत के खिलाफ बात हो रही है। गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि भाई नफरतें कहाँ फैल रही हैं, जैसा अभी रविकांत जी ने बताया कि दिल्ली में नाम क्योंकि उसका मिलता जुलता था मुस्लिम नाम से, तो
तो उन्होंने ये बता दिया कि ये तो मुस्लिम है लड़का। मतलब वो लोग इंतजार करते रहते कि कुछ मिले, ऐसी चीज मिले, छोटा सा भी मिले, तो उसको इतना बड़ा बना के पेश कर दें कि ये तो मुसलमान और हिंदू का इस पे एंगल है। अभी आप जोशीमठ की आपदा में उन्होंने हिंदू मुसलमान का एंगल लगाना शुरू कर दिया कि यहां से पलायन होगा तो यहाँ वो लोग आके बस जाएंगे। मतलब कोई सोचे कि अगर वहां से हिंदू आबादी आएगी तो हम ऊपर वहां मुस्लिम मिला के बसना शुरू हो जाएंगे। ये एक मतलब एक्सट्रीम पे आप देखिए ना कि, और एक इस जनता के, इस देश की जनता की विवेक को हो क्या गया है जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बाय करती है और जो देखती है इस तरह का टीवी। मैं तो ये मानती हूँ कि इस पे किसी ना किसी तरह का बहुत जबरदस्त एक ऐसा निर्णय, ऐसा फैसला आना चाहिए सर न्यायपालिका से कि जो इनके ऊपर बाइंडिंग हो। ये जो, और ये जो गोदी मीडिया के एंकर है, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, गोदी मीडिया के जो एंकर है ना, आप ये मत कहिए खाली कि वो तो नौकरी बजा रहे चैनल की क्योंकि उनको पैसा मिलता है नफरत फैलाने का, ऐसा नहीं है। आप इनके ट्विटर हैंडल्स जाके देख लीजिए एंकर्स के, वो तो इंडिविजुअल के हैं, वो तो कॉर्पोरेट मीडिया के हैंडल्स नहीं है। ये वहां भी उसी तरह नफरत की बातें करते हैं। ये आपके अमिश देवगन हो गए, रूबिका लियाकत है, और ये अवन चोपड़ा है, ये सब लोग यही काम करते हैं। मतलब वो केवल स्टूडियो से में जहर का जहर उगलने के बाद शांत नहीं होते, वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी उसी तरह का जहर उगलते हैं। इट मीन्स अंदर घुसी हुई है उनके अंदर ये, तो इसको तो अब क्योंकि सरकार तो कोई कानून लाने से रही इसके खिलाफ, अब ये कुछ न्यायपालिका का ही सहारा है। उम्मीद है कि शायद इस देश की जो न्यायपालिका है वो जनता को सद्बुद्धि देगी, सरकार को सद्बुद्धि देगी और अमन चैन बहाल होगा इस देश में। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यही जो है इस तरीके से रगों में दौड़ रही है इस वक्त बहुत बड़ी आबादी के, कि इमीडिएट तो उसको डिटॉक्सिफाई करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरफ कदम बढ़ चुके हैं अब, जिस तरीके से, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा को ही लीजिए आप, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ बढ़ाया गया कदम है। जो नफरत की जहर घुला हुआ है नसों में, उसको बाहर निकालने को मैं डिटॉक्सिफिकेशन कह रही हूँ, तो वो उसका काम कर रही है। मतलब वरना भीड़ क्यों आ रही है, आप ये बताइए भाई, उनको जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं उससे वो मुतमईन है ना, वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई बंदा बात सही कह रहा है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम गलत हवा के साथ बह रहे हैं, नेगेटिव इमोशन है वो, तो पब्लिक इसीलिए आ रही है वहां पे। वहां कोई, मैं बार बार कहती हूँ, राहुल गांधी वहां कोई वो कौतुक नहीं दिखा रहे, कोई मदारी का तमाशा नहीं दिखा रहे हैं कि झोले में से कुछ निकाल के दिखा रहे हैं, वो कबूतर निकाल रहे हैं या कुछ अभी बंदर निकाल के दिखा रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल चल रहे हैं और उस संदेश के साथ चल रहे हैं, तो जिस उसको पब्लिक ने पॉजिटिवली लिया है। देखिए, देखने के लिए आई भीड़ एक अलग भीड़ होती है, लेकिन साथ चलना, आप ये देखिए एक पूरा सैलाब, समुद्र चल रहा है साथ में लोगों के, तो वो उनके अंदर जज्बा है कि हाँ भाई हम आपके जो ये आप जो बात कर रहे हो ये हमें जच रही है, तो वो उसके लिए चल रहा है, साथ चल रहे हैं। और देखिए इसमें ये इस तरह की चीजें जो होती है वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। देखिए एक हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग, हमारे यहाँ लोग साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, सुशिक्षित कहूंगी मैं, तो वहां ऐसे समाजों में तो ये नफरत का जहर निकालना बहुत बहुत समय लगेगा। अभी जर्मनी में जो कुछ हुआ था वो लोग उससे बाहर आए हैं, और अब बाहर आ गए हैं, इनफेक्ट इस सीमा तक बाहर आ गए हैं कि किसी जर्मन के सामने आप जिक्र भी कर देना हिटलर का केवल जानकारी लेने के लिए, तो वो शर्मिंदा महसूस करता है, बात नहीं करना चाहता इस बारे में। वो कहते हैं हम शर्मिंदा हैं इस बात पे कि हमारे देश के अंदर ऐसा एक शख्स पैदा, एक जर्मन ऐसा पैदा हुआ कि जिसने एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस हद तक नफरत फैलाई कि मरवा डाला लाखों लोगों को। तो हमारे यहाँ क्या है कि अभी हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये चीज इतनी सेंसिटिविटी इस लेवल की है नहीं, जिसकी अभी अभी सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की देख लीजिए कि कितने सेंसिटिव है कि बोरबी का पुल गिर गया, 130 लोग 35 लोग मर गए, उसके बावजूद भी वो रंग बिरंगी ड्रेसेस बदल रहे हैं और तरह तरह के उसपे रंगरेलियां, वो अटकेलियां कर रहे हैं वहां पे वो, तो वो चीज हमारे आने में अभी टाइम लगेगा। और हमारे क्या है कि हम इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी नफरत बटा हुआ समाज है और उसमें धर्मवीरु समाज है, और धर्म के नेता जो हैं, धर्म गुरु हैं, उसमें साध्वी हो गए, साधु हो गए, उनका काम ही दिन रात फैलाना।
जो ये सुदर्शन का जो न्यूज के जो वो है एडिटर इन चीफ, वो भी तो यही कर रहे थे कि धर्म संसद, नाम क्या, धर्म संसद। वहां धर्म की बात हो रही है, वहां अधर्म की बात हो रही है, वहां पाप की बात हो रही है। आप कॉल दे रहे हैं मारने के लिए लोगों को, नरसंहार की कॉल दे रहे हैं। एक धर्म संसद नहीं, कई धर्म संसद हो चुकी है इस देश के अंदर और बेरोक टोक हो रही है। तो अगर वहां इस तरह के माहौल में, जहां ऐसा माहौल है, तो वहां उसको डिटॉक्सिफाई करने में बहुत लंबा समय लगेगा। मैं फिर कहती हूँ कि बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिकों की और समाजशास्त्रियों की जरूरत होगी जो इस जहर को दिमाग से निकालेंगे लोगों के। और वो जमाना कब आएगा,